भारत इसराइल की बड़ी नजदीकियों से दिखे चीन की बौखलाहट। भारत की सरहद के करीब चीन ने किया टैंकों के साथ बड़ा युद्धाभ्यास। चीन की एक सरकारी अखबार में धमकी भरा दावा, भारत की गलतफहमी दूर करने के लिए चीन ने किया सैन्य अभ्यास। अभ्यास में एडवांस 96B टैंक का इस्तेमाल, पहली बार चीन ने 5100 मीटर की ऊंचाई पर की है ड्रिल। इसी इलाके पर सड़क बनाने की कोशिश कर रहा है चीन, डोकलाम सीमा विवाद में चीन की तरफ से पहले भी चेतावनी। एक दिन पहले चीन के विदेश मंत्री का भी आया था विवादित बयान, 1962 के युद्ध की दिलाई दिया। मोदी के ऐतिहासिक इसराइल दौरे के दूसरे दिन 7 अहम समझौते पर लगी मुहर, गंगा सफाई, कृषि, एविएशन से लेकर स्पेस सेक्टर में हुआ करार। मोदी और नेतन्याहू की मुलाकात में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर बनी बात, आतंकियों को फंड देने वालों के खिलाफ सख्ती का रुख। इसराइल ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश, आतंकवाद को फंड और पनाह देने वालों के खिलाफ उठाया जाएगा सख्त कदम। प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू को दिया भारत आने का न्योता, इसराइली पीएम ने आमंत्रण को फौरन किया कबूल। 2008 मुंबई हमले में बचे इसराइली बच्चे बेबी मोशे और उसके परिजनों से मिले पीएम मोदी, मोशे को भारत आने का दिया न्योता। दिल्ली में बीजेपी ने पूर्व पार्षदों की टास्क फोर्स का किया गठन, नए पार्षदों को निगम चलाने में करेंगे मदद। तेज प्रताप और तेजस्वी की उम्र को लेकर लालू यादव भी असमंजस में पड़े, बुधवार को पटना में बड़े बेटे तेज प्रताप को छोटा बेटा कहकर किया सपोर्ट। तेज प्रताप पर और हम पर यह आरोप लगाया कि स्वर्गीय बिहारी प्रसाद के पत्नी माननीय रामा देवी 13 एकड़ जमीन का इनपुटने में गिफ्ट दे दिया तेज प्रताप यादव। लालू की बेनामी संपत्ति में बड़ी रियल स्टेट कंपनी पर शिकंजा, इनकम टैक्स विभाग ने सीबीआई प्रवर्तन निदेशालय को आगे की जांच के लिए किया अलर्ट। बिहार के बेतिया में सांसद पप्पू यादव का अजीब गरीब बयान, कहा बिहार के किसी भी 3 जिलों में 15 दिनों में अपराधियों, शिक्षा और हेल्थ को नहीं किया ठीक तो मेरी पैदाइश में होगी खोट। जीएसटी पर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में व्यापारियों को संबोधित करेंगे वित्त मंत्री अरुण जेटली, शंकाओं को करेंगे दूर। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जीएसटी बिल पास, राज्यपाल की मंजूरी और राष्ट्रपति के आदेश का इंतजार, पूरा होगा वन नेशन वन टैक्स का सपना। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर लंबी तनातनी के बाद चीन का रुख नरम पड़ने के संकेत, चीनी दूतावास का बयान, नाथुला के विकल्प पर विचार करने को तैयार है चीन। कश्मीर में अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक समेत 50 लोगों की सुरक्षा में कटौती, अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी में होगी हटाए गए सुरक्षाकर्मियों की तैनाती। जीएसटी कन्नड़ पर बरसा सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने कहा जस्टिस कर्नर ने न्यायिक प्रणाली का बनाया मजाक। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में सांप्रदायिक दंगे के बाद 2007 मंडीग्राम फायरिंग मामले में आरोपी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश देने में ममता ने की देरी, सीबीआई सूत्रों के हवाले से खबर। केरल के सांसद इनोसेंट वरीद कैथेथला का आपत्तिजनक बयान, कहा बुरी अभिनेत्रियां अपनी मर्जी से हो सकती है हमबिस्तर। जोधपुर कोर्ट के सामने आज पेश हो सकते हैं सलमान खान, 1998 में काले हिरण के शिकार के आरोप में गैरकानूनी तरीके से हथियार रखने का मामला। आशुतोष महाराज के अंतिम संस्कार मामले में पंजाब हरियाणा कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, शरीर को सुरक्षित रखने का दिया आदेश। कपूरथला में सरकारी गौशाला में गायों की लगातार मौत पर सवाल, लोगों के मुताबिक अब तक 200 से ज्यादा गायों की यहां हो चुकी है मौत। उदयपुर में काइन हाउस में रोजाना गाय के मरने का मामला गरमाया, पिछले 6 महीने में 150 गायों ने तोड़ा दम, सुविधाओं से लेकर साफ सफाई पर उठे सवाल। लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का अजीब फरमान, शाम 6 बजे के बाद महिला शिक्षकों और कर्मचारियों को काम करने की इजाजत नहीं। लखीमपुर के में बारिश में भीगते रहे स्कूली छात्र, मंत्री और अधिकारियों के ऊपर कर्मचारी लगाए रहे छाता। सुमेश गोयल होंगे हिमाचल के नए डीजीपी, 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी सुमेश डीजीपी जेल के पद पर के तैनात। यूपी के देवरिया में बिजली की कटौती से बीजेपी विधायक परेशान, ऊर्जा मंत्री की समीक्षा बैठक में उठाया मामला। मिर्जापुर जिला अस्पताल में निःशुल्क भर्ती पर लगी रोक, योगी सरकार के पुराने फैसले लागू करने से मरीजों को देने पड़ रहे हैं 34 रुपए। यूपी में शराब की ज्यादा कीमत वसूलने पर कसी ड्राइगी नकेल, शिकायत के लिए राज्य सरकार जल्द जारी करेगा व्हाट्सएप नंबर। पठानकोट में 3 संदिग्धों को 2 दिनों के पुलिस रिमांड, नाकेबंदी तोड़कर कार से बमियाल क्षेत्र में घुसाए थे संदिग्ध। यूपी के बिजनौर में खौफनाक सड़क हादसा, बस और कार की टक्कर में 9 की मौत।
मध्य प्रदेश के खरगोन में सेल्फी के लिए खतरनाक स्टंट, 150 मीटर ऊंचे टावर पर चढ़े 3 नौजवान। मध्य प्रदेश के बैतूल में सरकारी लापरवाही की हद, 1,70,000 क्विंटल प्याज के रखरखाव का कोई इंतजाम नहीं। बिहार के बेगूसराय में मरीज की मौत पर हंगामा, अस्पताल में तोड़फोड़ के बाद सड़क जाम। असम में बारिश और बाढ़ का कहर, 13 जिले बाढ़ से बेहाल। पाकुड़ में पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर किया पथराव, बिना इजाजत उग्र प्रदर्शन के बाद पुलिस ने बरसाई लाठियां। सिरसा में सरपंचों ने राज्य सरकार के खिलाफ बोला हल्ला, अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय में किया हंगामा। फरीदाबाद में 500 रुपए घूस नहीं देने पर ट्रक ड्राइवर के होमगार्ड ने की पिटाई, नाराज ट्रक ड्राइवरों ने नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। नेपाल सीमा पर रक्सौल में एक स्कूल में अपराधियों ने 36 सेकंड तक की अंधाधुंध फायरिंग, 3 लोग हुए घायल। उदयपुर के ऋषभदेव थाना क्षेत्र में एक शख्स की हत्या के बाद भीड़ ने लगाई 4 घरों में आग, हत्याकांड और आगजनी की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के मधुबिहार में चलती कार में युवती से रेप, आरोपी गिरफ्तार, कार बरामद। दिल्ली के जैतपुर इलाके में ढोंगी बाबा ने किया मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म, आरोपी बाबा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के मानसरोवर पार्क में 21 साल की छात्रा की चाकू घोंपकर युवक ने किया घायल, एयर होस्टेस की पढ़ाई कर रही थी छात्रा। दिल्ली के सैनिक विहार में 25 लाख की चोरी, लोगों ने विरोध में किया प्रदर्शन। यूपी के गाजीपुर में महुआबाग इलाके में मकान के कब्जे को लेकर हंगामा, बीजेपी विधायक कमलेश शुक्ल ने कब्जे की बात को नकारा। कन्नौज में दहेज लोभियों ने महिला और उसके बच्चे को जिंदा जलाया, सास गिरफ्तार, पति और परिवार के बाकी सदस्य फरार। बहराइच में एक पुलिस वाले का बिजली के खंभे के पास मिला शव, पुलिस कर रही है मामले की जांच। मिर्जापुर में दलित महिला से दबंगों ने की मारपीट, पुलिस ने दर्ज किया मामला। इलाहाबाद में घरों में रेकी कर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, चोरी के 10 लाख के सामान के साथ 4 लोग गिरफ्तार। देवरिया में एक दुकान से 2.5 लाख कैश लेकर फरार हुए चोर, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। चित्रकूट में डकैतों ने 3 युवकों को जिंदा जलाया, इनामी डकैत ललित पटेल और उसके गैंग के लोगों का हाथ। बलरामपुर में एक मेले के आयोजन के दौरान हादसा, सभा स्थल पर भारी भरकम पेड़ गिरने से 5 लोग बुरी तरह घायल। बुलंदशहर के खुजरा में एक गाड़ी से 10 लाख का गांजा बरामद, तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब। अलीगढ़ में नशे में धुत कांस्टेबल का वीडियो हुआ वायरल, एसएसपी ने सस्पेंड किया। लखीमपुर खीरी में एसपी दफ्तर पर महिलाओं का प्रदर्शन, एफआईआर दर्ज नहीं करने से गुस्सा। रायबरेली में इंटरस्टेट वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश, चोरी के 36 बाइक के साथ धरे गए 6 बदमाश। फतेहपुर में एक फैक्ट्री में मजदूर की संदिग्ध मौत, घर वालों का आरोप, करंट लगाकर हत्या की गई। मऊ में चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 27 लाख की शराब बरामद, एक शख्स गिरफ्तार। कानपुर में भारी बारिश का कहर, मेडिकल कॉलेज परिसर में पेड़ गिरने से एक महिला की मौत। मुजफ्फरनगर के नूरनगर गांव में 15 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप, ग्रामीणों ने पकड़कर वन विभाग को सौंपा। यूपी के हमीरपुर में मूसलाधार बारिश में कार समेत नाले में बहे डॉक्टर और उनके दोस्त, कार बरामद, दोनों का अब तक नहीं चला कोई पता। लखीमपुर खीरी में लगातार बारिश और मनबसा बैराज से पानी छोड़े जाने से शारदा नदी उफान पर, सैकड़ों गांव को अलर्ट किया गया। यूपी के सिद्धार्थनगर में पहली बारिश में कटा सरयू पर बना बांध, कई गांवों में भरा पानी। योगी के शहर गोरखपुर में बारिश ने खोली नगर निगम की तैयारियों के पोल, कई इलाकों में भरा पानी। बिहार के आरा में बारिश के बाद बड़ी मुसीबत, सदर अस्पताल में भरा पानी। केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने गया में दाव पर लगाई जिंदगी, मनाही के बाद भी काफिले के साथ जर्जर पुल से गुजरे, प्रशासन ने ट्रैफिक के लिए बंद किया है पुल। मुजफ्फरपुर में एक महिला ने सीओ की सरयाम की पिटाई, भूमि विवाद के मामले को सुलझाने पहुंचा था अधिकारी। पटना में मरीज की मौत पर बवाल, गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर किया हंगामा। पूना में सिविल ड्रेस में बाइक पर कस्टमर बनकर पहुंचे एसपी, गांजा मिलते ही तस्करों को धर दबोचा। बेगूसराय में अपने समुदाय के लोगों की प्रताड़ना से तंग आकर मुस्लिम परिवार का धर्म परिवर्तन, पूजा अर्चना कर हिंदू धर्म अपनाया। अजमेर में एक गेस्ट हाउस में चल रहे जुए के अड्डे पर छापा, कैश के साथ 14 मशीनें भी बरामद। सवाईमाधोपुर में एक एएसआई ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, खुदकुशी की वजहों का नहीं चला पता। जोधपुर में बदमाशों के दबंगई, चौराहे पर रास्ता रोक, तलवार से काटा केक। झालावाड़ में कोर्ट की फटकार के बाद प्रशासन की खुली नींद, शहर में अवैध कब्जे को हटाया। आज तक की खबर का असर, धौलपुर में घरों में पानी घुसने की खबर दिखाने के बाद अधिकारियों ने हालात का लिया जायजा। ग्वालियर में सब इंस्पेक्टर की हत्या का आरोपी, बेटा गिरफ्तार, संपत्ति विवाद को लेकर पिता से हुआ था झगड़ा। इंदौर में फिर बना
ग्रीन कॉरिडोर विशेष विमान से दिल्ली के मैक्स अस्पताल लाया गया छात्र का दिल, सड़क हादसे में हुई थी मौत। खरगोन में चोरी के अलग अलग वारदातों में शामिल चार शातिर बदमाश, पुलिस के हत्थे चढ़े हथियार के साथ लूट का माल भी बरामद। इंदौर में ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, लोगों को लाखों का चूना लगा चुके। उज्जैन में चोरों का आतंक, डेढ़ मिनट में बाजार से बाइक उड़ा ले गए बदमाश। हिमाचल के कांगड़ा में दो बसों में आमने सामने की टक्कर के बाद लगी आग, हादसे में 35 यात्री घायल। सूरत में सिगरेट को लेकर विवाद में तीन युवकों ने दुकानदार की बेरहमी से की पिटाई, पूरी वारदात कैमरे में किया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक किसान का दिल का दौरा पड़ने से मौत, बैंक से नोट्स मिलने पर तनाव में था। हरिद्वार में खुले में शौच करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त, डीएम ने एक और शख्स पर लगाया 5,000 का जुर्माना। सूरत के न्यू सिविल सरकारी अस्पताल के कैंपस में दलित छात्र का शव मिले सड़का, पुलिस मामले की जांच में जुटी।